Assalamu alaikum, my dear viewers. You are welcome back in Pada Shafi's YouTube channel. Today we are going to discuss the term grammar. आज हम प्यारे दोस्तों ग्रामर जानने की कोशिश करेंगे ये टर्म है क्या. जब भी हम किसी जुबान को पढ़ते हैं या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि उस सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, उसकी मीनिंग क्या होती है. ऐसे ही जो हमारा आज टॉपिक है दैट इज कॉल्ड ग्रामर. तो प्यारे दोस्तों ये जो वर्ड है ये एक वर्ड है ग्रामर. तो इसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया. शाबाश, इसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया. वन जो पहला वाला है, फर्स्ट पार्ट ऑफ दैट वर्ड दैट इज ग्राम एंड आर. अब सवाल पैदा होता है कि ये ग्राम क्या होता है एंड व्हाट इज आर. प्यारे दोस्तों आप जानते हो या आपने सुना होगा क्या जो एक ग्रामर होता है या ग्राम होता है. ये ग्राम आपने सुना होगा, किलोग्राम, हेक्टोग्राम या मिलीग्राम. तो दोस्तों अब सवाल पैदा होता है कि ग्राम का मतलब क्या होता है. किसी चीज को नापना या किसी को नाप, किसी चीज का नाप तोल करना, तो इस उसको इंग्लिश में हम मेजरमेंट कहते हैं. तो फिर सवाल पैदा हुआ जो दूसरा पार्ट इसका है, आर. आर का मतलब क्या होता है. आर का मतलब होता है वन हु इज डूइंग एन एक्शन, वन हु इज डूइंग अ टास्क, राइट. तो क्या मतलब, मतलब वो जो काम करने वाला होता है. तो उसको एक वर्ड में हम कहते हैं डोअर, डोअर. अब ग्रामर का मतलब क्या निकला, डोअर करने वाला. क्या करने वाला भाई, ये मेजरमेंट, मेजरमेंट करने वाला. किसकी मेजरमेंट. अब जो गेम जो है इस जुबान, जो भी ग्रामर हम सीखते हैं तो यहीं से निकलता है भाई. ये करता है मेजरमेंट किसकी, जुबान की मेजरमेंट करता है, लैंग्वेज की मेजरमेंट करता है. तो अब पता चला हमें कि जो ये ग्रामर होता है ये मेजरमेंट करता है एक जुबान की. इसलिए हमने इसकी डिफिनीशन जो ली या जो हमारे लिंग्विस्टिक्स है तो उसमें ये कहा जाता है कि ग्रामर इज द मेजरमेंट ऑफ लैंग्वेज. ग्रामर जो होता है ये मेजरमेंट होता है एक जुबान की. तो होप कि ये पॉइंट आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा. उसके बाद जो और एक पॉइंट है, तो ये आपको क्या ग्रामर करता है, तो ये आपको इस काबिल बनाता है जिस जुबान को आप सीखने जा रहे हो या जिस जुबान को आप पढ़ते हो, क्या आप उस जुबान को सही तरीके से बोल पाते हो या लिख पाते हो. ये उस चीज को जस्टिफाई करता है ये ग्रामर. तो इसलिए हम कह सकते हैं इट कैन ओनली जस्टिफाई वेदर द लैंग्वेज इज करेक्टली स्पोकन और रिटन. जो आप जुबान सीखते हो या आप बोलते हो, उस जुबान को सही तरीके से बोलना या लिखना, उसमें आपका यही ग्रामर मदद करता है, हेल्प करता है, असिस्ट करता है. उसके बाद जो पॉइंट नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, इट इज द ओनली स्केल फॉर अ करेक्ट लैंग्वेज. जैसे आपके पास आप और स्केल ले लो, यहां पर हम ग्राम का मतलब मेजरमेंट खाली नहीं कह सकते इसका स्केल. मगर एक बात और है कि स्केल का काम है नापना. मिसाल के तौर पर आपको कोई जियोमेट्रिकल फिगर ये मेजर करनी है तो आप कहते हो भाई ये 1 सेंटीमीटर, सर ये 2 सेंटीमीटर, सर ये 3 सेंटीमीटर है. भाई स्केल का काम है मेजर करना. इसी तरीके से ये जो ग्रामर है ये किसी जुबान, जो अपनी अपनी जुबान का अपना अपना ग्रामर होता है, तो ग्रामर का मुद्दा और मकसद यही होता है कि ये आपको उस जुबान के वर्ड्स को, सेंटेंसेस को या फ्रेजेस को या इडियोम्स को मेजर करता है कि आपको इस काबिल बनाता कि आप भाई इस जुबान को सही तरीके से ऐसे बोलो, ऐसे लिखो. तो यही ग्रामर कहलाता है. होप कि ये जो मेरा कंसेप्ट है आपको आज क्लियर हुआ होगा. तो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और दोहराता हूं वो आपके लिए. ग्रामर जो है इट इज कंपोज्ड बाय ग्राम एंड आर. ग्राम मीन्स मेजरमेंट, नापना, एंड आर मीन डोवर, करने वाला, किसकी, लैंग्वेज की मेजरमेंट करना. हेंस वी कैन से ग्रामर इज द मेजरमेंट ऑफ लैंग्वेज. उसके बाद ये किसको जस्टिफाई करता है, इट कैन ओनली जस्टिफाई वेदर द लैंग्वेज इज करेक्टली स्पोकन
रिटन, जिस जुबान का आप ग्रामर सीखने जा रहे हो या जिस जुबान को आप पढ़ रहे हो या जिस जुबान को आप लिख रहे हो, क्या आप उसका ग्रामर सही तरीके, क्या आपने आप उसको सही तरीके से बोल पा रहे हो या लिख पा रहे हो, उसमें आपका मदद यही ग्रामर करता है। उसके बाद यह स्केल की तरह काम करता है, या जो भी वर्ड्स होते हैं, मिसाल के तौर पर आपने कोई सेंटेंस बनाया, उसमें आपने सब्जेक्ट यूज किया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब यूज किया, जो इन वर्ड्स की आपस में रिलेशनशिप ये होती है, उस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने में हमारा यही ग्रामर मदद करता है। ओके, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, काइंडली सब्सक्राइब, सपोर्ट एंड शेयर अवर यूट्यूब चैनल। बाय बाय।